हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्विक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं लच्छेदार रबड़ी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं गीला पैन चढ़ा लेंगे। तो गीला पैन लेने से इसमें दूध डालने से वो चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे 2 लीटर दूध ली हूँ। आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से ले ले और हाई फ्लेम कर दे। उबाल आने का वेट करेंगे। इसमें उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम चला देंगे, नहीं तो दूध कढ़ाई से बाहर फेंक देगा। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। तो आप चाहे तो केसर भी इसी टाइम में डाल सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिला दें। अब जब तक हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए तब तक उसे लो फ्लेम पर उबालना होगा, क्योंकि लो फ्लेम पर उबालने से अच्छे मलाई आएगी और जितनी भी मलाई बनेगी उसे हमें पैन के साइड में ले जाना है। इसी तरह से हमारे लच्छे बनेंगे और जो दूध बीच में रहेगा उसे अच्छे से गाढ़ा करें। उबालते समय हमें कहीं पर भी हाई फ्लेम नहीं करना है और हर 2 मिनट में मलाई साइड साइड में करते रहें और बीच में कलछी घुमाते रहें, नहीं तो दूध जल जाएगा। इस तरह से साइड में करते रहें तो लच्छेदार रबड़ी अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं दूध अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, इसे हम और भी गाढ़ा करेंगे। अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। तो आपको जितना मीठा पसंद है उसके अनुसार आप चीनी डाल लें। मैं यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ली हूँ। चीनी को भी अच्छी तरह से मिला दें और इसमें हम घोलेंगे चीनी को। अब मलाई को साइड में करते रहें। अब ये और भी गाढ़ा हो गया है तो किनारे साइड में जो मलाई लगा है उसे हम इस तरह से खुरचते हुए दूध में डाल देंगे। तो बीच बीच से इसे तोड़े नहीं, नहीं तो लंबे लच्छेदार अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें इस तरह से मिला दें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लच्छेदार रबड़ी बना हुआ है। इसे एक बर्तन में हम निकाल देंगे। अब इसे अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दें। अब ये फाइनली मेरा लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। इसे आप जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। थैंक यू।